अब बात बिहार में करप्शन के पुल की करेंगे। भागलपुर पुल हादसे पर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार पर अटैकिंग मोड में हैं, तो वहीं नीतीश सरकार पुल बना रही एसपी सिंगला कंपनी पर एक्शन की तैयारी में है। बिहार सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। सरकार ने एसपी सिंगला कंपनी से पूछा है कि उसे ब्लैक लिस्टेड आखिर क्यों ना किया जाए। साथ ही 15 दिन के भीतर गंगा नदी से मलबा साफ करने का आदेश भी जारी किया गया है। उधर पुल की निगरानी करने वाले खगड़िया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं बिहार पुल निर्माण निगम के MD नीरज सक्सेना को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया। उनसे ये सवाल पूछा गया कि सुल्तानगंज जगवानी घाट पुल आखिर गिरा कैसे, दोबारा घटना कैसे घटी, एजेंसी पर क्या कार्रवाई की गई। और इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा पैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी से वसूला जाएगा। जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। संविदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी ACS जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं। और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज़ को जो है देखते रहे हैं और ये टूटा है। और क्योंकि शक था ही, जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे। हमने पहले भी कहा, जो पहला जो पियर नंबर 5 का जो जितने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे उसको हम लोगों ने सरकार पे आने नहीं दिया, संवेदक पे ही आने दिया है। तो ये चीज़ें होंगी, जो भी राशि, जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा। वो सारी कार्रवाई की जा रही है, नोटिस जो है इशू किया जा रहा है कि कारण बताएं। और जो जो एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत जो भी क्लॉजेज होती है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। तो बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर जो पुल गिरा है उसका निर्माण हड़ियारा के पंचकुला की कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला की ओर से किया जा रहा था। 1700 करोड़ रुपए की लागत का यह पुल 14 महीने में दूसरी बार गिरा, जिसके बाद कंपनी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही कंपनी के बिहार में चल रहे दूसरे प्रोजेक्ट पर भी अब सवाल है कि क्या निर्माणाधीन जो कार्य चल रहे हैं वो सही तरह से मजबूत हैं। बिहार में एसपी सिंगला कंपनी के पास 5 बड़े पुल के साथ साथ पटना में लोहिया पथ चक्र का भी निर्माण है और इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 9,027 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एसपी सिंगला कंपनी बिहार में जो 5 बड़े पुल बना रही है उस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार के भागलपुर में जो रविवार को बड़ा हादसा हुआ, ठीक यही पुल 2 साल पहले भी गिरा था। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बिहार में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कई बड़े जो टेंडर हैं वो इस कंपनी को मिले हुए हैं। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है पटना के बेली रोड पर मल्टी सेक्शनल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका काम अभी चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पटना में ट्रैफिक की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। बिल्कुल अलग किस्म का ये प्रोजेक्ट है और इसके पूरा होने के बाद किसी तरह के ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं होगी इस पूरे इलाके में। ख़ासतौर से जो ललित भवन से पटना हाईकोर्ट तक का इलाका है वहाँ पर ये पूरा लोहिया पथ चक्र प्रोजेक्ट चल रहा है। और दूसरा चरण का जो काम है वो अभी चल रहा है और जून में ही लक्ष्य है कि इसको पूरा कर लिया जाए। हालांकि इसकी भी समय सीमा बढ़ी है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े जो डिज़ाइन है, जो काम है, उसको लेकर भी कई बार कई तरह की चर्चाएं भी हुई हैं, विवाद भी हुआ है। और इसी प्रोजेक्ट के काम के दौरान पटना के बेली रोड पर एक जगह सड़क धस गई थी, उसको देखने के लिए नीतीश कुमार खुद मौके पर पहुँचे थे। चूँकि नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अलावा पटना में कई जो दूसरे फ्लाईओवर हैं उनका निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर अभी कंपनी काम भी कर रही है। तो ये ग्रुप बिहार सरकार का कह सकते हैं कि बिल्कुल फेवरेट एक कंपनी है जो कई बड़े प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन जब भागलपुर में पुल गिरने की बात सामने आई है, पिछले साल भी वो पुल जब गिरा था उसके बाद से लगातार एसपी सिंगला कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अब एसपी सिंगला कंपनी को एक
शो कॉज नोटिस भी दिया गया है और 15 दिन के अंदर जो मलबा गंगा नदी में गिरा है उसको हटाने को कहा गया है और उनसे ये पूछा गया है कि आखिर पुल कैसे गिरा, किस हालत में गिरा, कहाँ चूक हुई। कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की तैयारी भी की जा रही है। तो अब तमाम तरह के एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जिस कंपनी को काम दिया जा रहा था आखिर वो कैसे दिया जा रहा था, अब उस पर भी सवाल उठेंगे। और जो दूसरे प्रोजेक्ट जहां काम चल रहे हैं अब उसकी भी पड़ताल की जाएगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।